हेलो गाइस, माय सेल्फ दर्शित गोयानी। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में हम आगे स्टडी करते हैं व्हाट इज अ लिंकेज एंड व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेशन। ओके, मॉर्गन इज अ कैरी आउट द सेवरल डी हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन दैट वेयर अ सेक्स लिंक। मैं यहाँ पे अनाउंस करके आपको बताता हूँ। ओके, आई होप कि आप समझ पाओ। मॉर्गन कैरी आउट द सेवरल डी हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वेयर अ सेक्स लिंकेड। द क्रॉस वेयर अ सिमिलर टू द डी हाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट बाय द मेंडेल इन पी प्लांट। फॉर द एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज। जो मॉर्गन नाम का जो साइंटिस्ट है उसने सेक्स के लिंक पे डिपेंडिंग में जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो ड्रोसोफिला के अंदर जो ड्रोसोफिला फ्लाई है उसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किया, जो मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस जो मेन पी प्लांट के अंदर किया था वैसा ही सेम टू सेम उसने किया था। मॉर्गन ने किया ड्रोसोफिला फ्लाई के अंदर सेक्स लिंक का जो जीन है वो स्टडी करने के लिए, इसलिए उसने दो टाइप्स के ड्रोसोफिला फ्लाई ली। एक थी येलो बॉडी एंड व्हाइट आई वाली फीमेल्स जिसके पास दो कैरेक्टर थे, और सेकेंड थी उसके पास ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल, रेड आई मेल फ्लाई थी। उन दोनों के बीच में उसने क्रॉस करवाया और इंटर क्रॉस करते उसको F1 प्रोजेनी मिली। बट F1 प्रोजेनी को इंटर क्रॉस करवाया तो उसको ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। उसने दो जीन ऐसे देखे जो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट हो रहे हैं, होते नहीं है, इसलिए एंड द F2 रेशियो डिविटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1। ए रेशियो जो मेंडल को मिला था 9:3:1, ए रेशियो मॉर्गन को ड्रोसोफिला के अंदर मिला नहीं। उसने सेम ही प्रोसेस किया फिर भी नहीं मिला, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कि जो दो जीन थे वो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली नहीं हो पा रहे, दो जीन थे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे। सेग्रीगेट मतलब वो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में से जो जीन होते हैं वो जीन बाहर नहीं निकल पाए और प्रोजनी में नहीं आ सके, इसलिए ये रेशियो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन आर इंडिपेंडेंटली। अगर मेंडेले ने जो वर्क किया था उसके अंदर मतलब पी प्लांट के अंदर जो जीन्स थे वो दोनों इंडिपेंडेंटली थे, मतलब वो दोनों क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंट जगह पे थे। लाइक मैं यहाँ पे क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूँ, इस टाइप का एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम है यहाँ पे वन टाइप ऑफ जीन्स, ये जो मैं मार्क करा हुआ जीन है ये भी वन टाइप ऑफ जीन है। तो ये दोनों जो जीन्स है क्रोमोसोम के अंदर वो ये दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट थे, ए बी और ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थे। इन दोनों को दूसरे क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करवाओ तो इन दोनों को क्रॉस करवाओ तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस हो सकते थे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक दूसरे के साथ। ओके, फिर से बताता हूँ, फिर से ध्यान रखना, ये दो क्रोमोसोम है, रेडी, ये दो क्रोमोसोम है, दोनों पर जीन्स आए हुए हैं, इसके पे इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी जीन आए हुए हैं, लेकिन जो पी प्लांट थे उसमें ये दोनों जो जीन थे वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब ये दोनों जीन है लाइक एक्स और ए वाई, ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, वो उसके अपोजिट जो पैरेलल में जो भी क्रोमोसोम था उसके साथ ये हम नाम दे देते हैं ए और ए बी। सो जो
ए एक्स ए ए बी के साथ जॉइंट हो सकता है, वाई है ए ए के साथ जॉइंट हो जाए, मतलब इंडिपेंडेंटली। लेकिन ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है, ये जो क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, इसीलिए उसको ये 9:3:1 नहीं मिला। तो चलिए उसके आगे स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आगे देखते हैं, वेट अ मिनट, ओके। Morgan and his group now the data genes were located on X chromosome. जैसे मैंने पहले बताया कि X chromosome के ऊपर ये जो क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम है, एक दूसरा क्रोमोजोम है, उसके ऊपर जीन located होते हैं। And show quickly then the two gene in dihybrid cross whether situated on the same chromosome. ये जो दो जीन है वो एक दूसरे के साथ क्या है, strictly bind है, एक दूसरे के साथ strictly bind है, मतलब male drosophila और female के drosophila के ये जो दोनों जीन थे वो एक दूसरे के साथ tightly bind थे। The proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. मतलब ए parental, मतलब ए parent है हमारे, यहाँ पे मैं P कर देता हूँ, that is a parental, okay. नेक्स्ट इसकी जो हमें साइड मिलने वाली है वो है F1 प्रोजनी। तो P में से जो पेरेंट में से F1 में आने वाले है, तो इसमें से मतलब पेरेंट के पास जो क्रोमोसोम और जो जीन थे उसके अलावा दूसरे है वो नॉन पेरेंटल है। मतलब लिखा है when the two gene in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, were situated in a same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. Morgan attribute this due to the physical association. पहले मैं निकाल देता हूँ, clear all, okay. Morgan attribute this due to the physical association or linkage or a linkage of two gene and coined the term is a linkage to describe the physical association, describe the physical association of gene on chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene recombination. आये तो उसको हम अच्छे से एक image के depend पे हम understand करने की कोशिश करते हैं. Okay, next. Wait a minute, ये थोड़ा स्लो है। ओके आगे ये यहाँ पे इमेज दी है, जैसे मैंने बताया कि लिंकेज, ए एक क्रोमोसोम है, ए दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन प्रेजेंट है, इसके ऊपर वाई जीन प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक्स जीन प्रेजेंट है। ए वाई और एक्स, यहाँ पे वाई और एक्स ये दो पेरेंट है, पर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन आए हैं, मतलब के दो जीनोम आए हैं, दो जीन आए हैं, तो एक ही क्रोमोसोम पर जो दो जीन आए हैं वो टाइटली एक दूसरे के साथ बाइंड है, मतलब एक दूसरे के साथ लिंकेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या मतलब, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम समझ जाएंगे कि जब भी ये लिंकेज, मतलब ये जो रेड कलर का डॉट है वो हमारा वाई जीन है, और एम कलर का जो ब्लैक कलर का जो डॉट है वो हमारा जीन है। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो जब भी ए पेरेंट के दोनों, ए मेल के और फीमेल के क्रोमोसोम है, इन दोनों को बीच में हम जब भी क्रॉस करवाएंगे, अच्छा ये क्रॉस हो गया तो हमें F1 प्रोजनी मिलने वाली है, F1
प्रोजेनी मिलने वाली है, मतलब चाइल्ड मिलने वाला है, F1 चाइल्ड मिलने वाला। तो ये जो है ना, इसके अंदर जो तीन टाइप के जीनोम प्रेजेंट है, इसके अंदर दो टाइप के जीन प्रेजेंट है। तो जब भी F1 में, मतलब F1 में जब जीन ट्रांसफर होने वाले हैं, जो फैक्टर ट्रांसफर होने वाले हैं, वो क्या होगा कि क्रोमोजोम, जो एक ही क्रोमोजोम दिया है, एक क्रोमोजोम पर दो, फिजिकली दो जो जीनोम है, एक दूसरे के साथ टाइटली, एक दूसरे के साथ टाइटली मतलब एक दूसरे के पास आए होंगे, तो पहले ये जो M है ये Y के साथ बाइंड हो जाएगा, मतलब उसको पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मतलब ये Y है इस X के साथ कभी भी बाइंड होगा नहीं, क्योंकि ये Y और M एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड है। और सपोज कि ये M नहीं है, ये M जीनोम नहीं है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये Y है वो पहले इसके ही क्रोमोजोम जो X है उसके साथ बाइंड होगा, मतलब ये जो एक ही क्रोमोजोम पर दो फिजिकली जीन अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, उसको हमने नाम दिया लिंकेज, उसको हमने नाम दिया लिंकेज, कि भाई एक ही क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम, उसके ऊपर दो टाइप के जीन, एक जीन एक दूसरे के साथ फिजिकली बाइंड है, तो उसको हमने किया लिंकेज। देन आफ्टर व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेशन, तो एक क्रोमोजोम मेल का और एक क्रोमोजोम है फीमेल का, उन दोनों में से एक, सपोज के फीमेल का एक जीन है एक्स और मेल का जीन है वाई, मेल और फीमेल का दोनों का एक एक जीनोम है एक्स और वाई, एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, एक दूसरे के साथ कंबाइन होके F1 प्रोजेनी में या तो F2 प्रोजेनी में हमें दिखाई देंगे, तो उसको इसकी वजह से कोई नया ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा, कोई नया ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा, तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। मतलब जो पेरेंट के अंदर कैरेक्टर नहीं है, नॉन पेरेंटल, यहाँ पे एक बार वर्ड यूज किया गया था नॉन पेरेंटल जीनोम, मतलब जो जीन पेरेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा एक नया ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है, उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। वैसे ही ऐसा ही हमने आगे भी मेंडेले के एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था, जब भी हमने मेंडेले का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तब हमें पता चल गया था कि हमने दो टाइप्स के सीड लिए थे, एक तो था राउंड, पहले मैं निकाल देता हूँ, ओके, एक था राउंड येलो और एक था व्रिंकल ग्रीन सरफेस वाला, दो पेरेंट हमने लिया था व्रिंकल और ग्रीन सरफेस, तो ये पेरेंट थे, तो हमें उसके अलावा F2 प्रोजेनी में हमने राउंड ग्रीन सीड प्लांट देखे, जो पेरेंट के पास कैरेक्टर नहीं था वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट हुआ, और दूसरा हमने ऐसा कैरेक्टर देखा कि दूसरा हमने ऐसा कैरेक्टर दिखा येलो और व्रिंकल सरफेस, ये दोनों कैरेक्टर नए थे, तो ये जो दोनों कैरेक्टर नए है वो था, वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। मतलब जो पेरेंट के नॉन पेरेंटल जीनोम है एक दूसरे के साथ जॉइंट होके, मतलब मेल और फीमेल के जो जीन है एक दूसरे के साथ जॉइंट होके एक नया ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते है, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे लिखा है टू क्रोमोजोम टू जीन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट साइट ऑफ क्रोमोजोम, दो जीन डिफरेंट साइट ऑफ क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट है। अब उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी देखेंगे बाजू के पॉसिबिलिटी, वो वाई है वो एक्स के साथ कंबाइन होगा, पॉसिबिलिटी है इज लो, पॉसिबिलिटी ए वाई एक्स के साथ कंबाइन होने की, मतलब कंबाइन होने के बाद जो प्रोजेनी मतलब चाइल्ड में आने की पॉसिबिलिटी लो है, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, सपोज के यहाँ पे साइड की इमेज में दिया है, अगर वाई और एम है एक दूसरे के पास है, एक दूसरे के फिजिकल लिंकेज है, तो ये 100% चांसेस रहते हैं कि प्रोजेनी में आएगा, ये कैरेक्टर आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन ये एक ही क्रोमोजोम के ऊपर ये दोनों वाई और एक्स आए हो, उसकी पॉसिबिलिटी कंबाइन होने की लो है। अदर आर प्रेजेंट इन सेम एक्स क्रोमोजोम, मतलब ये मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, सॉरी यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ, ओके,
ये जो वाई है इस एक्स के साथ ज्वाइंट होने की पॉसिबिलिटी वेरी वेरी लो, मतलब ये बहुत कम चांसेस है। और अगर ए इसके इन दोनों के साथ ज्वाइंट हो गए तो इसके डिपेंड पे जो नया कैरेक्टर प्रोजेनी में आएगा उसको हमने नाम दिया है रिकॉम्बिनेशन, उसको हम नाम दिया है। बट फर्स्ट ये वाई है किसके साथ ज्वाइंट होने की कोशिश करेगा, एक्स के साथ। किसके साथ? क्योंकि उसके ही क्रोमोजोम पे अगर कोई जीन आया है तो उसके साथ वो जीन ज्वाइंट हो गए प्रोजेनी में, मतलब आने वाली जो चाइल्ड है नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर हमें दिखाई देगा। ओके, तो एक्स क्रोमोजोम इज अ फर्स्ट कंबाइंड एंड एक्सप्रेस टू प्रोजेनी। देन आफ्टर यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी दिखाई है, अगर ए वाई और एक्स है, ए वाई और एक्स है, अगर इस वाई के पास कोई और क्रोमोसोम आया है लाइक एम, तो अब पॉसिबिलिटी हो जाती है फर्स्ट जॉइंट होने की। वाई किसके साथ फर्स्टली जॉइंट होगा? एम के साथ फर्स्ट जॉइंट होगा, ना कि वो एक्स के साथ, क्योंकि एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ ए जीनोम एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक होते हैं, मतलब एक्सप्रेस ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, इसलिए चाइल्ड में एक साथ है इन दोनों के कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। और ए वाई और एक्स एक दूसरे के साथ लूजली बाइंड हुए होते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन का चांस बहुत ही कम रहता है, रिकॉम्बिनेशन जो रहता है वो कम रहता है, और जो लिंकेज रहता है, ये जो लिंकेज की प्रोसेस है वो हाई रहती है। तो गाइस अब मुझे लगता है कि आपको ये रिकॉम्बिनेशन और आपको ये रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज की पॉसिबिलिटी पता चल गई होगी कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो दो दो जीनोम जीन्स आए हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, उसको हमने लिंकेज नाम दिया। और एक क्रोमोसोम पेरेंट का है, एक क्रोमोसोम पेरेंट में मेल का है, एक क्रोमोसोम पेरेंट में फीमेल का है, इन दोनों में से एक एक जीनोम एक दूसरे के साथ लिंक होके चाइल्ड में एक्सप्रेस होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन इसलिए किया क्योंकि इन दोनों में से किसी का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, एक नया ही कैरेक्टर हमें दिखाई देने वाला है। रिकॉम्बिनेशन एक नया ही कैरेक्टर हमें यहाँ पे दिखाई देने वाला है, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो गाइस अब आपको पता चल गया होगा कि वाई कि जो मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला के अंदर एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर उसको जो 9m 3m 3m 1 जो रेशियो मिलना चाहिए था जीनोटाइप्स का वो नहीं मिला। इसका रीजन ये है कि ड्रोसोफिला के अंदर जो जीन है एक दूसरे के साथ क्रोमोसोम के अंदर जो एक ही क्रोमोसोम के अंदर जो जीन आए हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली लिंकेज है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ टाइटली लिंकेज है और रिकॉम्बिनेशन कम होता है, मतलब नया कैरेक्टर आने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे हमारी बुक के अंदर ये भी दिया है कि देखते हैं हमारी बुक में, और जब भी और पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट के अंदर जो टू जीन थे वो दोनों इंडिपेंडेंट थे, जो टू जीन थे हमारी बुक्स के अंदर ही लिखा है कि जो टू जीन थे पी प्लांट के अंदर वो दोनों इंडिपेंडेंट थे, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे टाइटली लिंकेज थे नहीं, मतलब यहाँ पे सीधी बात यही है कि पी प्लांट के अंदर जो क्रोमोसोम के अंदर जो जीन आते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंकेज होते नहीं है, और वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से डिफरेंट है। और यहाँ पे दूसरी बात बताऊ, और सेम अपोजिशन मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला के अंदर ये अप्रोच यूज किया तो तब उसके पता चल गया कि जब ये लिंकेज जब यही अप्रोच डायहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है तो ये जो टू जीन है वो एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक है, मतलब सेग्रीगेट नहीं है, एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं है, टाइटली लिंक है, इसलिए जो पेरेंट में था वही कैरेक्टर सीधा किस में आ गया, उसकी प्रोजनी में आ गया, मतलब इस रेशियो मेंटेन ये जो 9m 3m 3m 1 जो फिनोटाइप जीनोटाइप सॉरी रेशियो है वो मेंटेन होता नहीं है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताया जाएगा कि बुक के अंदर ये सब लिखा ही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लिखा है, आप एक बार पढ़ के देख भी सकते हो, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा ओके दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन। ओके मॉर्गन एंड हिज ग्रुप मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट द जैसे पहले बात की थी एक ही क्रोमोजोम पर जीन आए हैं, सम जीन वेरी टाइटली लिंक, थोड़े बहुत कुछ जो जीन है ड्रोसोफिला के अंदर एक ही क्रोमोजोम के अंदर आए और टाइटली लिंक है, टाइटली लिंक है मतलब उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा, वेरी लो, उसका रिकॉम्बिनेशन वेरी लो, वो हमें क्रॉस ए मतलब एक फिगर आगे आएगी उसमें दिखाई देता है, और विल अदर वेर लूजली लिंक, और दूसरे जो है एक दूसरे के साथ लूजली लिंक है मतलब उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन आए है। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन व्हाइट एंड येलो वेर वेरी टाइटली, जो व्हाइट जीन और येलो कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक दूसरे के साथ टाइटली फिजिकली लिंक है, मतलब उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन 1.3% है, और व्हाइट एंड मैन्यूचेट विंग जो फ्लाइज है उसका जो विंग है वो विंग का जो कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है जीन, उस उन दोनों के अंदर लिंकेज लूज है, उसके अंदर ऐसे इतना बहुत कुछ लिंकेज होता नहीं है, मतलब वो लूजली लिंक है, इसके इसलिए इसके अंदर 37.2% रिकॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद ये जो मॉर्गन था उसका एक स्टूडेंट था, उसका नाम एक मॉर्गन था उसका एक स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्ट्रीवेड, उसने यहाँ पे दिखाया हिज स्टूडेंट एल्फ्रेड स्ट्रीवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, मतलब ये जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है मतलब टाइटली लिंक हो गए उसको जो जिन एक ही क्रोमोजोम पर टाइटली लिंक हो गए उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो गए, और जो जिन एक दूसरे से सेपरेट हो गए मतलब लूजली लिंक हो गए तो इन दोनों के अंदर रिकॉम्बिनेशन रेट हाई होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन ऑफ पेयर ऑन द सम सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजिशन ऑफ द क्रोमोजोम, इसका इस कॉन्सेप्ट का इस मॉर्गन के स्टूडेंट था एफ्रन स्ट्रीवंट, उसने इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे किया और टुडे जीनेटिक मैप और आगे ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए यूज किया। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और सिक्वेंसिंग हम अगले चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके ये है हमारे साइंटिस्ट सॉरी इसके ऊपर मैंने रख दिया। ओके ये हमारे साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन, देन आफ्टर उसका जो वर्क था जो क्रॉस ए के अंदर हमें बता रहा है कि जीनोम है एक दूसरे के साथ वेरी टाइटली लिंक है, जो जीन है एक दूसरे के साथ वेरी टाइटली लिंक है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन लो होगा और क्रॉस के बी के अंदर रिकॉम्बिनेशन हाई होने वाला है। तो ये फिगर हम तुम्हारे आपके बुक्स में दिया ही है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। एक ही इमेज बाकी है, देख लेते हैं उसको, उसके बाद नेक्स्ट हम
आगे बढ़ सकते हैं. यस ओके दैट्स यस ये है हमारा क्रॉस है. इसके अंदर जो पेरेंट के जो मैं यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक मार्क करके, ये जो हमारा पेरेंट है ये ड्रोसोफिला के है, उसके अंदर येलो और व्हाइट के जीन है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है. ये एक ही क्रोमोजोम के ऊपर एक दूसरे से पास है मतलब एक दूसरे से पास है और टाइटली बाइंड हो गए. और ये जो व्हाइट कलर का जीन है वो एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे है, मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, मतलब ए और ए एक दूसरे के साथ बाइंड होने के चांसेस कम है. क्यों? क्योंकि ये वाई और डब्ल्यू एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड है. यहाँ पे भी वाइल्ड टाइप है उसके साथ यहाँ पे क्रॉस करवाया है, येलो और व्हाइट को वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस करवाया. यहाँ पे भी ये दोनों जो जीन है एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड है. क्यों? क्योंकि इन ये दोनों क्रोमोसोम पर अपने पास पास आए, मतलब एकदम उसके बगल में ही आया है, इसलिए ये इसके साथ बाइंड हो गया. अब ये वाई को इस वाइट के साथ, वाई प्लस को इस वाइट के साथ ज्वाइंट होने के चांसेस बहुत बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का रेट कितना 1.3% है और जो लिंकेज का रेट है 98% 7%, मतलब पेरेंटल टाइप का जो पॉसिबिलिटी है वो हाई है. क्रॉस बी के अंदर उसका अपोजिट है, डब्ल्यू व्हाइट और मिनेचर जो है ड्रोसोफिला की जो विंग होती है, ड्रोसोफिला की विंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसका मिनेचर जीनोम है एम, उसके विंग छोटी होगी बड़ी होगी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसका जो जीन है उसको एम नाम दिया. पर सेम क्रोमोजोम के ऊपर ए डब्ल्यू और ए एम एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे है, सेम यहाँ पे भी, पर ए एम और यहाँ पे जो व्हाइट डॉट है वो भी एक वन टाइप ऑफ जीन है, एक दूसरे के साथ है. यहाँ पे भी ऐसा है, ए डब्ल्यू प्लस व्हील टाइप के वाइल्ड टाइप का जो उसके साथ हमें क्रॉस करवाना है, क्रॉस बी के अंदर पेरेंट है व्हाइट, उसकी आई का कलर है और मिनेचर उसकी विंग है, उसको वाइल्ड टाइप के साथ वाइल्ड टाइप का जो ड्रोसोफिला की जो फ्लाई होगी उसके साथ हमें क्रॉस करवाना है, उसके पास कैरेक्टर ऐसा है तो उसके पास भी डब्ल्यू प्लस और एम प्लस एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे है, लेकिन एम प्लस और ये जो ब्लूइश राउंडिश सॉरी ये जो आपको मैं रेड कलर करके देता हूँ, ये जो यहाँ पे डॉट्स दिया गया है आपको ए वाला जो डॉट्स है इन दोनों ए भी एक जीन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट है. तो यहाँ पे क्या है ना कि ए एम इसके साथ और ए एम इसके साथ जॉइंट होने के चांसेस, मतलब इन दोनों को तो एक दूसरे के साथ जॉइंट है लेकिन ये डब्ल्यू है इस डब्ल्यू के साथ जॉइंट होने के चांसेस है, इस डब्ल्यू को इस डब्ल्यू के साथ जॉइंट होने के चांसेस है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत सारी है. ऐसे एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक नहीं है, लूजली लिंक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक नहीं है क्योंकि उन दोनों के बीच काफी कुछ डिस्टेंस है. और उसके अलावा दूसरे दो जो एक जीन है वो उसके साथ जॉइंट हो सकता है तो इक्वली रहेगा. तो रिकॉम्बिनेट टाइप है, रिकॉम्बिनेशन का जो रेशियो होता है 37.2%, मतलब क्रॉस बी के अंदर जो जीन है क्रोमोसोम के अंदर एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच काफी कुछ डिस्टेंस है, इसलिए उसका जो रिकॉम्बिनेशन रेट है वो बढ़ जाएगा और लिंकेज का जो रेशियो है वो लो हो जाएगा. अपोजिट क्रॉस ए के अंदर रिकॉम्बिनेशन रेट लो और रिकॉम्बिनेशन रेट लो और अपोजिट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंकेज का जो रेट है एक दूसरे के साथ जो जॉइंट होने वाला जो लिंकेज का रेट है वो हाई हो जाता है. यहाँ पे हम सब जगह देखते हैं, उसके एफ टू जनरेशन में भी देख सकते हैं, उसके दिए है वाइल्ड टाइप एक ही आया, तीन व्हाइट येलो आया, यहाँ पे भी वाइल्ड टाइप एक ही है, मैनेचर वाइल्ड व्हाइट और मिनेचर आया. मतलब इसका मतलब सीधा ही है, हमें रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज में एक ही बात याद रखनी है,
के लिंकेज मतलब एक ही क्रोमोजोम है, एक ही क्रोमोजोम है, एक ही क्रोमोजोम के ऊपर जो दो जीन आए हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड हो गए, एक दूसरे के साथ फिजिकली अट्रैक्ट हो गए, फिजिकली अट्रैक्ट हो गए, तो ये F1 प्रोजनी में और F2 प्रोजनी में एक्सप्रेस हो सकते हैं, F1 और F2 के अंदर ये एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ लूजली बाइंड है तो इसके अपोजिट जो फीमेल का जो क्रोमोजोम है तो उसके साथ ये जॉइंट होके एक नया ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा रिकॉम्बिनेशन। तो ड्रोसोफिला के अंदर ऐसा ही होता है, इसलिए वो जो 9:3:3 रेशियो था वो हमारा मेंटेन होता नहीं है, अपोजिट टू पी प्लांट के अंदर जो टू जीन्स थे, ये जो दोनों जीन्स थे वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड थे, लिंकेज थे, मतलब यहाँ पे लिंकेज ज्यादा था मतलब हमारा जो 9:3:1 है वो रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है, और अपोजिट पी प्लांट के अंदर जो टू जीन थे वो इंडिपेंडेंट थे मतलब वो सेग्रीगेट हो सकते थे, वो किसी के साथ भी बाइंड हो सकते थे, इसलिए हर बार 9:3:1 ही रेशियो पी प्लांट के अंदर आता था अपोजिट टू ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में ऐसा होता नहीं है, तो क्यों नहीं होता? ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के वजह से। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो नहीं समझ में आया तो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।